नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ कोरोना मुक्त हो चुके जिले में दिल्ली से वापस लौटे एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची है। फिलहाल जिला प्रशासन को अभी दिल्ली से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, ऐसा जिला प्रशासन का दावा है। लेकिन हमसे बातचीत के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने यह चीज़ स्पष्ट कर दी कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब आपको बता दें कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले एक गांव का परिवार दिल्ली में आजाद मंडी के पास रहता है। कुछ दिनों पहले उसे कुछ दिक्कत हुई, वह दिल्ली एक अस्पताल में भर्ती होता है। डॉक्टरों ने सैंपल लेकर दवा देकर घर में रहने का निर्देश देते हैं, लेकिन आज वह अपनी निजी गाड़ी से परिवार के 5 सदस्यों के साथ घर आ रहा था। इसी बीच उसे दिल्ली से फोन करके बताया गया कि वह कोरोना पॉजिटिव है। अब सोचिए कि इतना सुनने के बाद उसके तो उसके उसके साथ वालों के भी होश उड़ गए। सूचना प्रधान को दे दी गई। प्रधान ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची है, लेकिन अभी भी पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसे मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कर दिया गया है। उसके साथ जो 4 लोग थे उन्हें RK फार्मेसी में आइसोलेट किया गया है। बाकी उनके घर वालों को भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस जांच के बाद कितनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, क्योंकि लगभग ग्रीन जोन में आने से पहले ही एक बार आजमगढ़ का जिला फिर से सुर्खियों में कोरोना को लेकर आ गया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।